हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आज के स्टूडियो। दोस्तों, आज हम लिविंग रूम का इंटीरियर डिज़ाइन करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। स्टेप बाय स्टेप हम पूरा वर्किंग करेंगे इसका। बेसिकली ये हमारे पास कुछ कंसेप्ट है, टीवी यूनिट का है, इसमें से कोई टीवी यूनिट बनाएंगे। ये अच्छा है, इसको ही बना लेंगे, ये वाला। और कॉर्निस का डिज़ाइन है जो हम सीलिंग के लिए यूज़ करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉप व्यू में आ जाते हैं, बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, लेंथ विड्थ और हाइट देंगे। हाइट दे देते 2.9, हो गया बॉक्स रेडी। और एक बॉक्स बना लेंगे जो इसके बाजू वाला रूम आएगा, किचन या जो भी, उसका ओपनिंग का पोर्शन यहाँ पे दिखेगा। और ओपनिंग जो भी रहेगा यहाँ से ओपनिंग दिखेगा उसका, वो भी बनाना पड़ेगा। वेजिटेबल पॉली कर लेते हैं, वेजिटेबल पॉली कर लेंगे। हाइट पोर्शन के लिए इतना देंगे उसका। टॉप लेवल दिखाया जाता है और एज कनेक्ट कर देंगे यहाँ से। सेलेक्ट करते हैं, कनेक्ट दो पार्ट में करेंगे, जो डोर का विंडो का ओपनिंग आ गया साइड में, ये साइड में भी डोर का ओपनिंग कर लेते हैं। थोड़ा सा नीचे मूव कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हाइट के सेगमेंट भी कनेक्ट करेंगे यहाँ से, ये वाला पोर्शन डिलीट कर लेंगे। सबसे पहले इसको एक्सेप्ट करके एक्सट्रूड करके कर देंगे और ये वाला पोर्शन डिलीट कर देंगे। ऑलराइट फ्रेंड्स, ये हमारा रेडी हो गया। अभी हाइड ऑल कर लेते हैं। हमारा विंडो का पोर्शन है, इसे डिटैच कर लेंगे, सेलेक्ट करके डिटैच। आइसोलेट कर लेते हैं, एज सेलेक्ट करके इसको कनेक्ट करके दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे।
एग्जाम करा रहे थे एक बार। नेक्स्ट पेज एज सेलेक्ट में हुआ, सेलेक्ट एज, अरे इसको सेलेक्ट करके क्रिएट शेप क्लिक करके लीनियर करके ओके कर देते हैं। इसके शेप को सिलेक्ट करेंगे, रेंडरेबल ऑन स्क्वायर करेंगे इसको, जीरो फाइव ओके, विंडो रेडी हो गया अभी। जीरो फाइव रखते हैं, जीरो फाइव रखते हैं। इसको कितने दे देंगे एस्टिमेट करके, ट्रैक करके पूरा दे सकते हैं लोग। एक्सट्रूड कर देंगे इसको, ग्लास के दे देंगे। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मेरी आने वाली जो भी वीडियो रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कुछ भी कमेंट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल सकते हैं, मुझे जो भी क्वेरीज रहेंगे पूछ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, आप सब तो जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हमेशा जब बाहर जाएंगे तो मास्क या रूमाल का इस्तेमाल जरूर करें और साबुन से सैनिटाइजर से हाथ धो लिया करें, थोड़ी सावधानी बरतें। जब तक ये कोरोना वायरस है तब तक डॉक्टर्स और गवर्नमेंट तो लगी है कोरोना को हराने के लिए, हमें भी सपोर्ट करना है, गवर्नमेंट के आदेश का पालन करना है, जो भी कोरोना के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना है। स्टोर कर लेंगे, ग्लास का थिकनेस दे देंगे इसको, इसको मटेरियल दे देते हैं विंडो और सबको, वीरे का मटेरियल यूज कर रहे हैं, ग्लास के लिए ग्लास का सेंड करेंगे। थोड़ा सा ब्लैक रखेंगे, रिफ्लेक्शन दे देते हैं 0.7, ब्लैक करते हैं। मेटलनेस बढ़ा देते हैं इसका थोड़ा सा,
बेसिकली कर देते हैं इसको, रिफ्लेक्शन में फुल कर देते हैं। विंडो रेडी, ये सीलिंग और फ्लोरिंग का पोर्शन डिटैच कर देंगे। इसके लिए दूसरा मटेरियल अप्लाई करेंगे, डिटैच। वो डिटेच कर लेते हैं। टॉपिक में आप मटेरियल असाइन करते हैं। इस साइड में इसको ओपनिंग दे देते हैं विंडो का, इससे नेचुरल वेंटिलेशन आएगा, ऐसे वो वेंटिलेशन दिखेगा। कर लेते हैं इसे, इसको टेस्ट कर लेंगे। विंडो का मटेरियल ले देंगे, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो कमेंट ज़रूर करना, और आप कोई और ट्यूटोरियल चाहते हैं तो भी कमेंट करिए। और भी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ। ऐसे हो गया, इसको मटेरियल असाइन कर लेते हैं फ्लोरिंग और सीलिंग का। वॉल का मटेरियल हो गया, थोड़ा सा वाइट करते हैं। सीलिंग का मटेरियल करके पूरा वाइट करेंगे इसको। कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, फ्लोरिंग का मटेरियल। यहाँ पे हम टेक्सचर अप्लाई करेंगे फ्लोरिंग का। अभी हम देखेंगे इसे, नेमिंग कर लेते हैं ताकि पहचानने में इजी होगा। विंडो क्लास
से मटेरियल कर लेंगे बाद में वाले में। तो पहले कैमरा लगा लेते हैं, वीरे फिजिकल कैमरा F3। उसे क्यों उतना सीधा ही रखते हैं। कैमरा सेलेक्ट करेंगे, कैमरा ही सेलेक्ट करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेके एडजस्ट करेंगे इसको। ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी सेम है दोनों भी प्रोसेस। अभी इसको ड्रॉप ड्राप कर लेते हैं, जो मॉडलिंग कर लेते हैं ये उम्र का, ये अच्छा है, इसको मॉडल करते हैं। इस बॉक्स बना लेंगे कॉपी में जाके, हाइट दे देंगे 0.3 फुट लगभग, एक फुट ले देंगे विड्थ। कर लेते हैं इसको, हेलो कर लेंगे। तीन हिस्सों में डिवाइड है, वही सेम प्रोसेस, डिटेबल पॉली करेंगे इसको। कन्वर्ट वेजिटेबल पॉली 2 मीटर कर लेते हैं।
टेबल एज एज थोड़ा सा गैप लिख रहे हैं। तो करेंगे इसको जो हो सके उतना मॉडल ही करता हूँ। रेडीमेड भी है मेरे पास गैलरी, मॉडलिंग करने का भी एक अलग ही मजा होता है, प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाती है। बाकी चीज़ों के लिए तो हम रेडीमेड यूज करेंगे, बुक्स और वो सब चीज़ें, पावर पॉइंट से टीवी यूनिट है, हम रेडीमेड ही लेंगे। कनेक्ट करते हैं, दोस्त मिल गए करेंगे। इंसर्ट एक्सट्रूड कर देंगे माइनस पूरा ही अंदर करके पोर्शन को डिलीट कर देते हैं। मैं आ जाते हैं पोर्शन डिलीट बनाना पड़ेगा ऊपर का, सेम उसको सेम बॉक्स बनाते हैं वही साइज का। मैं आ जाती बॉक्स हम उसको साइज दे देंगे, तो पहले ले थी थ्री दोनों को थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे। ऊपर यूज बीच में दो और पार्टीशन है,
इसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तीन हिस्सों में कन्वर्ट मीटर पॉली, कनेक्ट एच, कनेक्ट कुछ ज्यादा ही दे दे, अंडू करते इसको। ज़्यादा गैप हो गया था, दोनों का लगभग सेम ही रखना पड़ेगा हमें। 0.5 0.5 इसको रखेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। नीचे मूव कर लेते हैं, एडिटेबल पॉली सेलेक्ट करके इसको ड्रैग कर लेंगे टॉप लेवल पर। उसे बॉक्स सिलेक्ट करके पार्टीशन रेडी कर लेंगे इसका। एक इंच का कर लेते इसको लगभग, सेंटर में इसके टीवी के लिए हम लोग इसको कर देंगे। टीवी डॉट पॉली एच कनेक्ट 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 इसका पोर्शन डिलीट कर लेंगे, बॉर्डर सिलेक्ट करके यहाँ पे अभी ओपनिंग है लाइक बॉर्डर क्या क्लिक करेंगे हो जाएगा इसमें। कर लेते हैं कॉपी कर लेते हैं इसका इस तरह कि हम कुछ भी चेंज करेंगे तो दोनों में चेंज होता रहेगा। सेलेक्ट करके नहीं
यहाँ बड़ा देखिए इसको, यहाँ पे बीच में टीवी यूनिट आएगा, थोड़ा बड़ा आएगा टीवी। रेडी हो गया अभी ये, ओके फ्रेंड्स अब ये कंप्लीट हो गया। बीच पे मटेरियल असाइन कर लेते हैं, वुड मटेरियल का टेक्सचर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट पार्ट आपको मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में हम पूरा कवर करेंगे टीवी यूनिट और ये और फॉर फ्लावर्स बुक्स सोफा टेक्सचरिंग लाइटिंग सब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। दोस्तों आप मेरा इस तरह की वीडियो भी देख सकते हैं 3D Max के और लुमेन के भी ट्यूटोरियल बना के रखी है, आप वो भी देख सकते हैं, आपको अच्छी लगेगी वो। थोड़ा सा मूव कर लेते हैं यहाँ पे, मेरा एंगल थोड़ा सा सेट कर लेते हैं कैमरा ऊपर कर लेते हैं टारगेट थोड़ा सा मूव करेंगे ऊपर। ओके फ्रेंड्स हो गया है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।